माताएं। कबहू वो छंग कबहू पैर पहले ना मा तो दुला कही प्रिय व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विदो सोहज प्रेम भगनी बस कौशल्या के सर्वव्यापी सत रज तम तीनों निर्गुणों गुणों से परे निर्गुण स्वरूप ब्रह्म आदि अंत का जिनके पता नहीं विकार वहां उपस्थित नहीं अर्थात विकार रहित मेरे परमात्मा अकथ अपारस स्वरूप है जिनका वो अजन्मा मेरे प्रभु प्रेमा भक्ति के कारण मां कौशल्या जी की गोद में आ गए। मैंने कल एक बात आपसे निवेदन किया था भक्ति को रुग्ण न किया जाए और कान खोलकर जहां तक ये वाणी जा रही है श्री राम कथा के माध्यम से सनातन धर्म में जन्म लिए हो तो अपने सनातन धर्म की जन्म को कलंकित कदाप न करो देवताओं की पूजा करो भगवान का भजन करो ये हमारा आपका कर्तव्य है। यहां चदरा चढ़ाएंगे वहां कमरा चढ़ाएंगे आज तेरी की कलंकी क्यों करते हो। कोई नेता हो चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे भगत हो अपने घर में रहने का अभ्यास करो। जिसको अपना घर अच्छा नहीं लगता है वो धरती का सबसे बड़ा अभागा आदमी क्या है। अरे यहां कितने भगवान हैं कितने देवता हैं कम है क्या। नौ दिन नवरात्र में शक्ति उपासना करो एक माह भगवान शिव की श्रावण मास में उपासना करो 52 द्वारे मां के दर्शन करो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं बार बार जाओ आओ 4 धाम हैं बद्री केदार द्वारिका रामेश्वरम पुरी जगन्नाथ। अरे भाई 10 बार जाओ आओ कहां गए थे अजमेर गए थे का मामा रहते हैं का तुहार हाँ? और लज्जा भी नहीं आती। देखो किसी मां का लाला मां का लाला बकलोल होए बकलोल समझते हो ना बकलोल समझा तो कि नहीं। अच्छा किसी का लाला अड़भंगी हो अड़भंगी तब भी मां अपने हृदय से चिपका के उसको रखती है घर वाले पूछे न पूछे मां अपने बगल में सुलाती है पूरा संहार करती है। अरे अभी दुनिया पूरी दुनिया कल हम आपको यह बताएंगे कथा के माध्यम से कि हमने पूरी दुनिया को विज्ञान में इतिहास में धर्म में क्या चिकित्सा में क्या भेंट किया है। अरे ये तो हमारे पास वो नहीं है ISO की व्यवस्था नहीं है। एक पुरस्कार चलता है पूरी दुनिया में बढ़ता रहता है नोबल पुरस्कार उसका नाम है वो चाटुकारिता पर मिलता है अथवा अब क्या बताएं जो गुणगान करेगा वैदेशिक संस्कृति का उसको प्राप्त हो जाएगा। नहीं नहीं हमारे देश का जो पुरस्कार है वो भगवान की कृपा है महानोबल है।
हमारे ऋषि मुनियों ने संतों ने पुरस्कार के लिए तपस्या की नहीं। हम पुरस्कार के लिए राम कथा गा रहे हैं, हम अपना मानव जीवन धन्य बनाने के लिए राम कथा गा रहे हैं। राजीव मिश्रा जी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट को निमित्त बनाकर अपने कल्याण के लिए कथा करा रहे हैं, न इनका लेना न हमारा लेना, आप अपने मंगल के लिए श्रवण कर रहे हैं। श्रवण मंगलम, ये कथा की महिमा, ये सनातन धर्म की धन्यता। हमको ये नहीं बोध है कि हमारी अपनी वास्तविकता क्या है। हम दूसरे घर में गुण देखते रहते हैं, दूसरे पंथ में गुण देखते रहते हैं। अरे आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान, ये सनातन धर्म है। पूरी दुनिया जिसको मानती है, हमारी संस्कृति ने कभी उत्पात नहीं किया, हमने किसी को सताया नहीं साहब, हमने जहां गए वहां श्रेष्ठत्व प्रदान किया, हम जहां गए लोगों में जीवंतता प्रदान की। सनातन संस्कृति ने सबको समेटा है, किसी को चहेटा नहीं। आप चहेटा समझते हो? खदेड़ना। हमने किसी को रौंदा नहीं, हमने किसी पंथ का परिवर्तन नहीं किया। हम हमारे से परेशान हैं, जो आता है मुंह उठाकर। पूरब में धर्म परिवर्तन चल रहा है, केरल में धर्म परिवर्तन चल रहा है। अरे भाई काहे, तुम अपना काम करो, हमारे घर में क्यों खटरम बटरम करते हो? नहीं, हमको आपको अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, सनातन धर्म पर गौरव होना चाहिए। अपने परमात्मा, जितने परमात्मा जितने देवता हैं, इनका विधिवत पूजन करके अपना मंगल मनाना चाहिए। हमसे अधिक संपन्न भगवत भाव में है कौन? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।